आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत भाजपा ओबीसी मोर्चा ने तिरंगा वाहन रैली निकाली, जिसमें सांसद दिया कुमारी ने शिरकत की और भाजपा कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा वाहन रैली शहीद स्मारक पर पहुंचकर संपन्न हुई। वाहन रैली में ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं भाजपा सांसद दिया कुमारी ने वाहन रैली को रवाना करने के बाद भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हम इस अभियान को हर घर तक लेकर जाएंगे। यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक अच्छा अभियान चलाया है कि हर घर तिरंगा हो। पहले हमारे घर पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था, लेकिन अब केंद्र की सरकार ने यह अच्छा अभियान चलाया है जिससे हर घर तिरंगा लहराएगा। साथ ही इस दौरान दिया कुमारी ने सरकार को भी घेरा, कहा कि आज महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। ये आज तिरंगा रैली आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, पूरा देश इस बात से बड़ा ही हर्षोल्लास से इसे मना रहा है। और आज हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है, सभी मोर्चों द्वारा ये रैली निकाली जा रही है। और हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आज मोदी जी ने ये पहल की है, 75वां आज़ादी का जो दिवस मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इससे आज हमारे बच्चे बच्चे को ये पता चल रहा है कि भारत सच्चे मायने में अब आज़ाद हुआ है। क्योंकि उस समय हम लोग यहाँ नहीं थे, हमने आज़ादी का वो दृश्य नहीं देखा था जो हमारे शहीदों ने बलिदान दिया। उस दृश्य को हम आज महसूस और खुश होकर ये महसूस कर पा रहे हैं कि वास्तव में आज़ादी हमें अभी मिली है और भारत इसमें लगातार अग्रसर है।